आदमी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में शुरू किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी का विरोध प्रदर्शन। अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने का अडानी ग्रुप पर लग रहा आरोप। सड़क के बीचों बीच बैठकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे प्रदर्शन। देखिए, मामला पूरी तरह से देश की जनता और उसके पैसे से जुड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से देश में जो चीजें हो रही हैं, लोग उस पर चुप रहे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मोदी जी की लोकप्रियता के नाम पे, लेकिन अब उनके सारे फ्रॉड जनता के सामने आ चुके हैं। LIC वाहिद एक ऐसी कंपनी थी जिसपे लोगों का अपने परिवार के पिता की तरह भरोसा था। हर परिवार में LIC है। हम अपनी पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए और बेहतर भविष्य के लिए जो पैसा जमा करते हैं, हमारे मोदी जी ने इतना भी नहीं सोचा कि उन 80 करोड़ के खून की कमाई एक व्यक्ति के हाथ में दे दी, जिसके शेयर धड़ाम 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 करके नीचे आ गए। इसका जवाब तो देना दूर की भरपाई कैसे होगी। आज वो सामने आके ये भी फेस नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों की गलती क्या थी जिन्होंने इतना गाढ़ी कमाई को LIC में इन्वेस्ट करा और वो पैसा आपने उठा के एक अपने दोस्त, अपने प्रिय फ्रेंड मिस्टर अडानी के हाथ में दे दिया, जिससे वो पूछ भी नहीं रहे हैं, जिसके लिए वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं किसकी जवाबदेही आखिर है किसकी। कम से कम प्रधानमंत्री आके ये तो जवाब दे कि ये जो पैसा जनता का टूटा डूबा है वो वापस कैसे आएगा और किस अधिकार से उन्होंने इतनी सारी चीजें एक व्यक्ति के, एक बिजनेसमैन के हाथ में रख दी। आप लोगों को वो हो जाना चाहिए कि LIC का पैसा हम लोगों का सब पब्लिक डूबा। हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने वाले हैं। अब हमारा हाल वही लंका वाला होने वाला है, ठीक है। 100 बिलियन पैसा बर्बाद हो गया तब भी चुप है। और जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, मंदिर होता है लोकतंत्र का, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। क्यों?